जय माता दी। दर्शकों, नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान तरीके से हवन करने की विधि, जो कि है आप बहुत ही सरल तरीके से हवन कर पाएंगे और अपनी माता रानी को मना पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि अगर आपने पूरी नवरात्रि कुछ नहीं किया तो अष्टमी नवमी के दिन आप यह छोटा सा हवन करके माता रानी को मना सकते हैं और अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यदि मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस नवरात्रि माता के नौ रूपों का पूरा वर्णन किया गया है हमारे चैनल के द्वारा और कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं और उनके सफल भी हुए हैं। यदि आप यह छोटा सा एक उपाय और करेंगे तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं शीघ्र ही समाप्त होंगी। तो चलिए आपको बताते हैं छोटा सा हवन पद्धति, जिससे करने से आप अपने जीवन में काफ़ी बदलाव पाएंगे। घर में नेगेटिविटी सारी चले जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। सामग्री में आपको चाहिए हवन कुंड। हवन कुंड आप घर में नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं मिट्टी का बना हुआ वह ले लें। चौकोर या फिर गोल होना चाहिए। उसे अच्छी तरह धो करके आप हल्दी कुमकुम लगा लें, नीचे उसके अक्षत या फूल का आसन दें। उसके बाद आप अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि आप उपला जला सकते हैं या फिर आप नॉर्मल सा आम की लकड़ी जला सकते हैं, या फिर वो भी ना हो तो आप एक बताशा रख दें, उस पर थोड़ा सा कपूर रख दें, थोड़ी सी शक्कर रख सकते हैं, कपूर रख दें साथ में और फिर आप उसे प्रज्वलित करें। फिर हमें अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में दो लौंग के जोड़े छोड़ने हैं और उन्हें घी में ज़रूर भिगो लें। लौंग इलायची को घी में भिगो लें, फिर आप हवन कुंड में उन्हें छोड़ें। दो लौंग के जोड़े छोड़ें, दो इलायची के जोड़े हवन कुंड में छोड़ें। जय माता दी का जाप करते रहें और आपको अगर और कोई माता रानी के जाप आते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, और उन्हें छोड़ते रहें। घी की 5 बार आचमन देना है आपको। हवन कुंड में घी को 5 बार छोड़ना है। इसके बाद आप अग्नि को शांत करने के लिए थोड़ी सी हल्दी कुमकुम अक्षत छिड़क दें और उसके बाद आप जल का आचमन ले लें। इसके बाद आपको माता रानी का दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशी का पाठ नहीं कर पाए तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, वो भी नहीं आता है तो आप बैठ करके शांत मन से हाथ जोड़कर माता रानी का कोई भी भजन कर सकते हैं। भजन भी नहीं आता है तो आप यूट्यूब के माध्यम से माता रानी की जो भी आपको दुर्गा चालीसा सुनना है तो वो सुन सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी से अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह उपाय सिर्फ अष्टमी और नवमी के दिन आप करें। अंत में आप माता रानी की आरती कर करके पूजा को संपन्न करें और अपना व्रत हो तो व्रत भी खोल सकते हैं। तो दर्शकों, और भी कई उपाय हैं जो हमने डाल रखे हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप ज़रूर सुनिएगा उन उपायों को भी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।